हेलो आदाब, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं खालिद, आपको मेरे चैनल अफगान एक्शन पे आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, रजाकार तेलुगु मूवी है, उसकी टीजर रिलीज हुआ है और साहब आपको पता है कि साउथ मूवी काफी जबरदस्त, बेहतरीन और लाजवाब होती है। तो देखते हैं टीजर और काम तो सभी जबरदस्त होती है, इसमें कोई शक नहीं। एक्शन, कॉमेडी और सबसे जरूरी एक्टिंग। ओ 15 अगस्त 1974। మా రాజ్యం తుర్కిస్తాన్ అనే స్వతంత్ర ఇస్లామిక్ రాజ్యంగా వర్ధిల్లుతుంది. ఆ హిందుస్థాన్ దగ్గర ఏమీ లేదు. వాళ్ళు వాళ్ళ సమస్యల నుండి బయటపడే లోకు. మనం మన హైదరాబాద్ ని తుర్కిస్తాన్. ఇస్లాం ని వ్యాప్తి చేయండి, ప్రతి వాడల మస్జిదుల్ని కట్టించండి, ప్రతి ఇంటి పైన ఇస్లాం జెండా ఎగరాలి, వాళ్ళ యజ్ఞోపవీతాలు తెగిపోవాలి. హిందీ, సంస్కృతం, కన్నడ, తెలుగు, మరాఠీ భాషలను పుస్తకాల నుంచి తీసి పడేయండి, అరబీ ఉర్దూ చదివించండి, మతం మారని కాఫిర్లను ఉరి తీయండి. ఈ సంస్థానంలో ఒకే మతం ఉండాలి, అది ఇస్లామే అయి ఉండాలి. కశ్మీర్కి కాపలా ఉంటూనే హైదరాబాద్ను కూడా కాపాడుకోవాలి. मुझे सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि क्या ये वाकई ट्रू स्टोरी है? हैदराबाद में ये चीज हुआ है, मुसलमानों ने हिंदुओं की जो औरतें को उसको ऐसे किया उनके साथ। मैंने सुना कि 15 अगस्त में जब बंटवारा हुआ तो ट्रेनों में मुसलमान और दंगे बहुत ज्यादा हुए हैं, मगर इस तरह चीज तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मूवी में दिखाया गया कि एक आर्मी है और वो जबरदस्ती जाके हिंदुओं को वो उसकी मूछ मनवा के और उस पर टोपी लगाते हैं और बच्चों को मारता है। ये चीज अगर रियल में हो तो ये पहली बार मैंने देखा का ये रियल में ट्रू स्टोरी मूवी है। ये क्या ये हैदराबाद में हुआ ये चीज? तो काफी इंटरेस्टिंग होगी जब थ्रिलर आएंगे और भी देखने को कुछ मिलेगी, फिर मूवी तो जरूर देखना पड़ेगा। रजाकार यार कितनी वशियत के साथ, कितनी मारा मारी है। गदर में जब दिखाया गया पार्टीशन के टाइम में, ट्रेन पे एक ट्रेन पाकिस्तान की तरफ आते, एक ट्रेन जाके इंडिया की तरफ, मगर वहां लाशें के लाशें, तो ये चीज काफी दर्दनाक होते हैं। वैसे भी मजहब के ऊपर जब लोग एक दूसरे को मारता है वैसे ये चीज तो ठीक नहीं है, मगर ये पहली बार ये चीज मैंने देखा। मगर मूवी जो है तेलुगु है और होप ये हिंदी में होता तो और भी मजा आता और कमाल होता, मगर फिर भी मुझे कुछ सीन पता चला जब वो कहते हैं कि मलयालम सब लैंग्वेज जो है तेलुगु ये सारी मिटा दो, उसको अरबी सिखाओ और सबको मस्जिदों में जबरदस्ती लेकर आओ, ये चीज हो रही थी इस मूवी में। थ्रिलर के लिए वेट करना पड़ेगा, तो जबरदस्त स्टोरी तो रियल बी साइड है, तो आई होप ये मूवी रियल हो और ये कहानी तो देखना पड़ेगा इस मूवी को। आपको कैसा लगा तो जरूर अपने राय कमेंट सेक्शन में, हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें। Maybe. Can anybody out there?